मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होता है वो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और लिविंग होता है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देखो बहुत कम है, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। कंपैक्टली अरेंज होता है, साइज छोटा होता है। इनकी सेल वॉल थिन होती है, मतलब पतली होती है। सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन नहीं होता है। वैक्यूल एब्सेंट, स्टोरेज भी फूड का नहीं होगा। इनका डायमीटर जो होता है सेल्स का सेम होता है, इसलिए इसको आइसोडायमेट्रिक बोला जाता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। मेरिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओरिजिन के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे देखा जाता है सेल जो होती है वो प्रोमेरिस्टम करती है, उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टम बनता है। प्राइमरी मेरिस्टम हमारे एपिकल और इंटरकैलरी होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन के बाद प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का डिफरेंशिएशन होता है, फिर उसके बाद में बनता है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम का रीडिफरेंशिएशन होता है तो हमारी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाती है। पोजीशन के बेसिस पे देखा जाए तो मान लो ये हमारी ये ग्रास है। ग्रास पे सबसे ऊपर जो होता है वो एपिकल मेरिस्टम होती है, जो कि गाय या बकरी वगैरह चरती हैं। और इंटरकैलरी ये बीच में डॉटेड टाइप का होता है। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है। सबसे नीचे वाली हमारी होती है लेटर मेरिस्टम, जो कि गर्थ को मतलब मोटाई को बढ़ाती है। इसमें सेकेंडरी मेरिस्टम होती है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होती है, जैसे कि मान लो एपिकल मेरिस्टम जो ऊपर वाला पार्ट है उसको गाय या बकरी किसी ने चर लिया, उसके बाद में उसमें फिर से जो ग्रोथ होती है वो इंटर मेरिस्टम ही कराती है। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि एपिकल मेरिस्टम जो होता है टिप्स ऑफ रूट एंड शूट प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम। सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फॉर्म एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड जो होते हैं एक्सिल ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रांच या फ्लावर को फ्लावर का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होते हैं। इंटरकैलरी की बात करी जाए तो ये जो होती हैं ये मैच्योर टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू ही होता है। और ये ग्रासेस में देखा जाता है ये पार्ट्स जो कि हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो उनको जब ग्रेजिंग करते हैं, मतलब जब उनको चर लेते हैं तो उसके पार्ट को रीजनरेट कर देता है। वही सब यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है। बाकी सिर्फ इतनी चीज़ नहीं लिखी हुई जो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम होता है। मान लो ये हमारा एक कोई रेडियस है, ठीक है, इसमें जाइलम और ये फ्लोएम, ये बीच में अगर जो प्रेजेंट है विद इन वेस्कुलर विंडो तो उसको बोलते हैं फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। मतलब इसको हम इंट्रा फेसिकुलर बोलते हैं। इंट्रा मतलब विद इन द रेडियस। अगर रेडियस के बीच में, दो रेडियस के बीच में अगर जो है तो उसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। ये कॉर्क कैम्बियम होती है और ये फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।